अगली खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ में कल रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां जेडीयू के नेता और बड़े व्यापारी नूतन कुमार सिंह के स्कॉर्पियो पर दर्जनों राउंड फायरिंग कर उन पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार जदयू नेता अपने जमीन पर फसल कटवा रहे थे, जहां लौटते वक्त फुलवारी शरीफ में अचानक दो बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और स्कॉर्पियो में को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। गरिमत रहे कि इस गाड़ी में बैठे जदयू नेता बाल बाल बच गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपराधी को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वे मौके से फरार हो गए। बताते चले कि नूतन कुमार सिंह पर ये कोई पहला जानलेवा हमला नहीं है, इससे पहले भी कई बार फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने इनको जान से मारने की कोशिश की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसी गाड़ी में नूतन कुमार सिंह बैठे हुए थे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इस गाड़ी को स्कॉर्पियो को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, शीशे सारे टूट गए। नूतन कुमार का जो ये विवाद है वो पुराना है और जमीनी विवाद को लेकर के अपराधी इन्हें हमेशा से पहले भी टारगेट करते रहे हैं और उसी का एक कल ये और एक और हादसा सामने आया है, जहां पर फुलवारी शरीफ में लौटते वक्त अचानक जदयू नेता पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। आज वही घटना घट रही है जो बता रहे हैं जी, आज भी जो हम लोग उन्हीं लोग बता रहे हैं, वही लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर जो है चलाए हैं, बोले वही उनका शीशा सब फूट फूट गया है, ये इंजर्ड नहीं है। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं दानापुर से हमारे सहयोगी रजत राज। रजत, ये पूरा मामला क्या है जो कल ये फायरिंग की गई है जदयू नेता पर? जी प्रभात, फायरिंग दर्जनों राउंड ये है कि स्कॉर्पियो पे फायरिंग की गई है और ये जो है कि फसल कटाने के बाद वो घर के वापस लौट रहे थे और फुलवारी शरीफ के दुर्बी चक जो है इलाका, वहां पे दो बाइक सवार लोग फायरिंग गाड़ी पे किए हैं जी। रजत बाल बाल बचे हैं, ये जेडीयू नेता जो है बाल बाल बचे हैं जी। रजत, एक और बात सामने आई कि ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी जमीन विवाद को लेकर के जदयू नेता नूतन कुमार सिंह पर हमले होते रहे। जी हाँ, नूतन कुमार सिंह पर जो है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन पे गोली चलाई गई है, उसमें भी वो बच गए थे और ये कल जो हुए है देर शाम घटना, ये उसमें दो हथियार बंद थे जी। तो इस घटना के बाद क्या नूतन सिंह से बात हो पाई है, क्या कहना है उनका इस घटना पर? नूतन सिंह ने बताया है कि उनकी जो जमीनी विवाद जो चल रही है, एक चाचा भतीजा जो है उनसे जमीनी विवाद चल रही है, इनका 5 करोड़ की जमीन है जिसे लेकर उन पे हमला कराया गया है जी। रजत, आगे पुलिस इसको लेकर के क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने बोला है कि आवेदन आ चुका है और इस पे जो है कि आगे जो अपराधी को है वो गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजत। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे थे दानापुर से, जहां पर कल रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला है और जदयू नेता नूतन कुमार सिंह पर ये जानलेवा हमला किया गया था।